आपको कुछ होमवर्क भी मिला था इस चैप्टर से? यस सर। व्हाट वाज द होमवर्क? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होमवर्क क्या मिला था बेटा? तुहाता इट्स को थ्री बाउल्स में रख के और उसमें वन में वेट क्लॉथ और वन में वाटरफॉल और वन प्लेन ग्लास और उसमें फाइव चना रखना था। हाँ, तो आपने किया था ऐसा? आप लोगों ने किया था ऐसा? कितने लोगों ने किया है? यस सर, मैंने किया था। क्या आपने ऑब्जर्व किया? रेड क्लॉथ में बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स निकले थे। किसमें? किसमें? जिसमें वाटर था उसमें छोटे छोटे स्पॉट और जो ग्लास थी जिसमें कुछ नहीं डाला गया था और वो बस वैसे ही चला था। नो, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ऑब्जर्वेशन। एनीबॉडी एल्स? और कोई? वैष्णवी सिंह, शो योर फेस। एंड बेटा, आप लोग अपने अपने मोबाइल पे अपना नाम मेंशन किया करो, अपने पेरेंट्स का नाम मत लिखो। चॉकलेट निकाल के खाए हैं। चॉकलेट रख दे बाहर निकाल दे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या हो कि कैसे जो है सीड्स स्प्राउट होते हैं। आर यू लिसनिंग मी? इज माय वॉइस क्लियर? हेलो, यस सर, माय वॉइस क्लियर? आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ओके, यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बी गाड़ी टू स्टार्ट आवर क्लास। हियर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड नेम ऑफ द चैप्टर इज सीड्स एंड सीड्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सीड्स एंड सीड्स। हम बातें करेंगे बीजों की। ओके, और यहाँ देखिए आप स्प्राउटिंग। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्प्राउटिंग के बारे में। व्हाट इज स्प्राउटिंग? तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स में जो अंकुरण, सीड्स जो अंकुरित हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। और ये स्प्राउटिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? टेम्परेचर, एयर एंड वाटर। जब हमने तीन बाउल्स, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट मेक नॉइज, ओके। तो स्प्राउटिंग में हमने देखा था जब हमने तीन बाउल्स लिए थे, एक बाउल में क्या था? एयर था केवल, एक बाउल में केवल एयर था और इसमें सीड्स थे। दूसरे बाउल में केवल वाटर था और इसमें सीड्स थे। और तीसरे बाउल में एयर भी था और वाटर भी था और इसमें सीड्स थे। और हमारे वही उसी बाउल में सीड्स जर्मिनेट हुए थे जिसमें एयर और वाटर दोनों थे। जिन सीड्स में एयर वाटर दोनों नहीं थे वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। यानी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर जो सिचुएशन है, प्रॉपर कंडीशन है वो होनी चाहिए। उनके पास एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें जब पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी तभी सीड्स जर्मिनेट होंगे, तभी स्प्राउटिंग होगी। अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ स्प्राउटिंग। इज दैट क्लियर? तो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, विच वी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। आज हम देखेंगे प्लांटिंग ऑफ सीड्स।
अब हम देखेंगे उन अंकुरित सीड से पौधे कैसे उगाए जाएं। सो कम टू पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हियर इज इट, पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, पेज नंबर 44। नाउ whenever you split the whole masoor you get me, masoor dal। जब आप मसूर को या चने को स्प्लिट कर दोगे तो आप क्या होगा, तोड़ोगे उसको दो हिस्सों में तो आपको क्या होगा, चने को स्प्लिट करोगे तो आपको चने की दाल मिलेगी और मसूर को स्प्लिट कर दोगे तोड़ोगे तो मसूर की दाल मिल जाएगी। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन तब आप उनको स्प्राउट नहीं कर सकते हो, उनको अंकुरित नहीं कर सकते हो। क्यों, कैन यू थिंक वाई क्यों नहीं स्प्राउट कर सकते हैं? बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग द सीड्स आर डैमेज्ड, सीड्स जो है नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और टूटे हुए सीड्स को हम अंकुरित नहीं कर सकते हैं। तो सीड्स की स्प्राउटिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहले तो वो डैमेज नहीं होने चाहिए, द सीड्स शुड नॉट बी डैमेज, इट शुड गेट प्रॉपर एयर एंड टेम्परेचर एंड वाटर, है ना। तो ये सारी चीजें जब सीड्स को मिलेंगी तभी वो जर्मिनेट होंगे। ओके, नाउ Here is a project, planting your seeds. अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्लांटिंग योर सीड्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, सीड से पौधे उगाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ वाइड माउथ। सबसे पहले आपने क्या किया, एक टिन का बर्तन लिया, टिन का कैन लिया, या फिर एक कोई भी बर्तन लिया आपने जिसका मुंह थोड़ा सा वाइड हो, चौड़ा हो। ओके, then make a small hole at the bottom of the can, और फिर उस टिन के कैन के नीचे बॉटम में तली में एक छोटा सा आप छेद कर दोगे, you will make a hole in the bottom of the can, okay, or that pot, fill your can with soil, और फिर उस पॉट को, उस बर्तन को आप मिट्टी से भर दीजिए, put four or five seeds of the same kind in the soil and press them gently. और फिर आप क्या करोगे, चार या पांच seeds आप उस टिन के बर्तन में डाल दीजिए और उनको gently बड़े आराम से press कर दीजिए ताकि वो उसके ऊपर मिट्टी से वो ढक जाए। Different groups can plant different kind of seeds. अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के seeds अपने अपने pot में plant कर सकते हैं, such as mustard yani sarson, fenugreek yani methi, sesam yani til, aur coriander yani ki dhaniya, ya phir aur bhi koi seeds jo aap plant karna chaho apne bartan mein, apne pot mein aap usko laga sakte ho. Now what you have to do after that, you have to write the name of the seed which you have planted. Look at the table, you have to fill in this table, is table ko aapko bharna hoga. Write the name of the seed and the date on which you planted them. और फिर किस तारीख को आपने उस सीड को प्लांट किया, the day you observe something coming out of soil. और फिर कितने दिनों बाद आपको सॉयल में से कोई चीज अंकुरित होती हुई दिखाई दी, है ना। ये सारी चीजें आपको इस टेबल में भरनी है। आप देख सकते हो इस टेबल में अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, आपको डेट का एक कॉलम बना हुआ है, हाइट ऑफ द प्लांट किस डेट में उस प्लांट की कितनी हाइट हो जाती है, नंबर ऑफ द लीव्स सीन कितनी पत्तियां आपको वहां दिखाई देती हैं, एंड इफ एरिया एनी अदर चेंज यू कैन मेंशन इट हियर। सपोज इफ इट्स लीव्स टर्न्स येलो और इट बिकम्स ड्राई, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दीज थिंग्स। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर सबसे पहले आप एक टिन का बर्तन लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ टिन कैन, है ना, मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ दिस पॉट, यहां आपने होल बना दिया सो दैट वाटर विल नॉट कलेक्ट, यहां आपने होल बना दिया पॉट के नीचे एट द बॉटम, और फिर इस बर्तन को या कैन टिन कैन को आपने मिट्टी से भर दिया, है ना, you fill this can with soil. After that
यू विल प्रेस फोर और फाइव सीड्स जेंटली इन दिस सॉयल, इसको आप दबा दोगे मिट्टी में हल्का सा, है ना। देन आफ्टर दैट इफ इट विल गेट प्रॉपर कंडीशन एज एयर वाटर टेम्परेचर देन इट विल स्टार्ट स्प्राउटिंग एंड जर्मिनेटिंग। ओके, तो जब ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। जिनके पास बुक है वहां देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो यहां देख लें अभी बोर्ड पर। यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल, उसमें आप लिखोगे डेट, किस दिन आपने सीड्स को प्लांट किया, है ना, डेट ऑफ प्लांटेशन ऑफ द, डेट ऑफ प्लांटेशन ऑफ द सीड्स, है ना। फिर आपको कितने दिन बाद, हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द प्लांट कितने दिन, किस दिन इसकी हाइट कितनी होती है, जो भी आपकी हाइट होगी वो दिखाई देगी। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स कितने दिनों बाद आपको कितनी पत्तियां यहां दिखाई देती हैं, जो भी दिखाई देंगी, है ना, वन या टू जो भी हो, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी अदर चेंज, अदर चेंज, ठीक है। तो ये जो है आपका टेबल होगा जिसमें आप लिखोगे ये सीड्स आपका टिन कैन हो गया, इसमें आपने सीड्स कब प्लांट किए वो डेट आप यहाँ पे टिन के बर्तन के ऊपर लिख दोगे। फिर किस दिन आप प्लांट की कितनी हाइट ऑब्जर्व करते हो, कितनी उसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, या फिर कोई और चेंज दिखाई देता है तो वो आप अगले कॉलम में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्लांटेशन का ऑब्जर्वेशन होगा। आफ्टर दैट हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल। तो आपको क्या लगता है कितना दिन लगता है एक प्लांट को मिट्टी में से बाहर आने के लिए, कितने दिनों बाद आपको पौधा दिखाई देता है। तो अगर हम गेस करें बेटा तो ये 4 to 5 or 6-7 days भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अवेलेबल टू दैट प्लांट एंड टाइप ऑफ द सीड्स, है ना, सीड्स किस प्रकार का है और उसको किस तरह का टेम्परेचर मॉइस्चर एयर मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी होती है। एंड व्हाट वाज डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड डेज, और फर्स्ट और सेकंड डेज बाद जब प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी हाइट में क्या डिफरेंस आता है, 1 centimeter, 1/2 centimeter और देयर इज नो चेंज, व्हाट एवर इज इट यू कैन राइट इट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑन विच डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस द मोस्ट, और किस दिन पौधा सबसे ज्यादा पौधे में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है ये भी आप लिख सकते हो। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या प्रत्येक दिन नई पत्तियां आती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है कि आपके किस दिन पत्तियां आए किस दिन हो सकता है केवल ना आए। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, और उनकी स्टेम में किस तरह की चेंज होती है, तो आप देखोगे कि उनकी स्टेम डे बाय डे थिक होती जाएंगी, मोटी होती जाएंगी, है ना। सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस विच वी हैव गेस्ड हियर एंड यू कैन कंफर्म इट बाय प्लांटिंग योर ओन सीड इन द पॉट। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉयल, कौन से बीजों को सबसे ज्यादा समय लगता है प्लांट से स्टेम से बाहर आने के लिए। तो अभी अभी बेटा हमने बताया कि जो ये सब डिपेंड करता है सीड्स की क्वालिटी के ऊपर और उसको जो हमने किस सिचुएशन में रखा है, किस कंडीशन में रखा है, इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट मे टेक 4 or 5 days, ओके, सो और इवन वीक। विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉयल, और कौन से सीड्स जो हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, कौन से सीड्स बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। अगेन यू विल राइट योर ओन आंसर आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीड्स एंड द सिचुएशन एंड द कंडीशन इन विच द सीड इज कैप्ट। नाउ विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई, अब इसमें कुछ सीड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल ना हो। इट मे बी अ डैमेज वन,
वो जो नष्ट हो सकते हैं, नष्ट सीड्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे सीड्स हो सकते हैं जिनको प्रॉपर एयर वाटर या फिर टेम्परेचर ना मिला हो, तो उनकी ग्रोथ भी ना हो. ओके, नाउ डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो ग्रोथ करने के बाद जिनकी पत्तियां पीली पड़ जाए, है ना. Why did this happen? तो ऐसा क्यों हो सकता है? Because of the lack of the nutrients. पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इन पौधों की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं. Okay? And what would happen if the plants do not get water? और पौधों को यदि पानी ना मिले तो क्या होगा? Again, their growth will be affected. उनका growth, उनका survival जो है प्रभावित होगा. Okay? Now, what is inside the seed? Can you tell me, students? What is inside the seed? एक बीज के अंदर क्या होता है? Anybody? What is inside the seed? एक बीज के अंदर क्या होता है? Are you listening me? आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So, what is inside the seed? बताइए. एक बीज के अंदर क्या होता है? You can say a baby plant. कह सकते हो? बीज के अंदर से एक कौन निकलता है? एक बेबी प्लांट निकलता है ना? Every seed has a baby yes, plant sir. Inside yes. it. Okay. So we can say that there is a baby plant inside a seed. एक बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है. छिपा होता है उसमें ना. Now, how does a big plant grow from a tiny seed? तो अब आप बता सकते हो एक बड़ा पौधा कैसे निकल जाता है एक छोटे से बीज में से? Can you tell me? When the seeds get proper environment, proper situation, as proper air, water, and temperature and nutrients, then a plant comes out from a seed. एक बीज में से एक बड़ा पौधा निकल के आता है जब बीज को पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि तापमान, पानी और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, है ना. ये सारी चीजें जब एक बीज को मिलती हैं तो क्या होता है? उसमें से एक बड़ा पौधा, बड़ा पेड़ निकल सकता है, है ना. इज इट पॉसिबल और नॉट? एनीबॉडी? हाँ, तो आप बता सकते हो हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? कैसे निकलता है एक बड़ा पौधा छोटे से बीज में से? गतिक, बताओ बेटा, एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल आता है? आवाज नहीं आ रहा है. आ गया तो बताइए आप मुझे, एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल आता है? जब बीज को, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, जब बीज को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, पानी, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, सनलाइट, ये सब चीजें जब बीज को मिलती हैं तो क्या होता है? वो स्प्राउट होता है और फिर स्प्राउटिंग के बाद उसमें से बेबी प्लांट निकलता है, उसकी पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं बनती हैं और फिर वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है. ऐसा ही होता है ना? हाँ? Yes, sir. तो अब आप बता सकते हो एक बीज में से बड़ा पेड़ कैसे निकलता है? मैजिक After getting proper temperature, proper nutrients, water, a seed germinate, a seed grows into a big plant, big tree. ठीक है, जब एक बीज को ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है. ओके, एनी डाउट? नो सर. ओके, आगे चलें? यस सर. चलिए, यस सर.
तो आप बता सकते हो आप प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? वाटर, टेम्परेचर, वाटर, वाटर, सनलाइट। ओके ओके, अब लगा कि आप लोगों ने सुना है, वेरी गुड। हाँ, अब आपकी आवाज आ गई है। ओके 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 ओके, तो प्लांट्स को ग्रोथ की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, सॉयल चाहिए। ये सारी चीजें जब सीड्स को मिलेंगी तो वो उस सीड में से एक बड़ा पेड़, बड़ा सा पेड़ निकल सकता है बाहर। नाउ थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक। आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन अ प्लांट वॉकिंग फ्रॉम हेयर टू देयर? नो सर। नहीं देखा है? नो सर। चलिए, अगर ये चलते तो क्या होता, अगर ये चलते तो क्या होता? सर बहुत दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती। आपके घर पे लगने वाला आम का पेड़ आपके पड़ोसी के घर चला जाता, ऐसा होता ना? चलिए देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्लांट्स तो नहीं चलते हैं, लेकिन जो सीड्स होते हैं ये बहुत यात्रा करते हैं बेटा, आपको पता है? प्लांट्स तो ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन जो सीड्स होते हैं दे आर ग्रेट ट्रैवलर। यस, चिड़िया उठा के ले जाती है बीज को। हाँ, चिड़िया ले जाती है। और कौन कौन ले जाता है इनको? एनिमल्स, यस। और काऊ। हाँ, बहुत सारे एनिमल्स के साथ ये यात्रा करते हैं, चिपक कर, कई बार पानी में बह के चले जाते हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब अच्छा, हम यहाँ पे एक स्पेशल तरह के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो घूमता तो नहीं है, जो यात्रा तो नहीं करता है, लेकिन ये शिकार जरूर करता है। कभी आपने ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो अपनी जगह पर खड़े खड़े बिना यात्रा किए, बिना चले दूसरे जीवों का शिकार कर ले? Which one? Yes, sir. Which one? Which one? Yes, sir. क्या नाम है? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, यस। इसका नाम पिचर क्यों पड़ा? इसका नाम पिचर क्यों पड़ा? पिचर मतलब होता क्या है? घड़ा। यस, और इस प्लांट का शेप जो होता है वो, जिसके जो फ्लावर्स होते हैं वो घड़े जैसे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पिचर प्लांट कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका शेप कैसा होता है? पिचक जैसा, घड़े जैसा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए, मम्मी आपको दिख रहा है पिचक प्लांट? पिचक प्लांट दिख रहा है आपको? ये देखिए, इसका जो फ्लावर है वो कैसा है? घड़े जैसा है ना, उसके ऊपर एक ढक्कन भी है, लिड भी है। और ये कैसे शिकार करता है आपको पता है? हाउ इट हंट? यस सर, बताइए आप शिकार कैसे करता है? इसके ऊपर कीड़ा बैठ जाते हैं तो अपना ढक्कन बंद कर लेता है, उसको खा जाता है। कीड़ा क्यों इसके ऊपर बैठता है? वो कहता है कि मेरा शिकार कर लो। पाउडर मार रहा हूँ ना, मैं तो रोमांट लिया कर भारी पाउडर से और पुकार मारा था, तार रसिया से तो खींच ले मैं और तो मुझे के बोल रही हूँ सर, आपकी भी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, मांग ये मांग मांग सर, ये साउंड इज नॉट कम सर, ये फिश इज नॉट कम Your voice is not coming. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, we can't hear you. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, your voice is not coming. Your voice is not coming. Hello. आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब सुन पा गई हैं आप?
हेलो यस सर अब सुन पा गए हैं ठीक ठीक है मैम यस सर ओके ओके चलिए तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो पिचर प्लांट है ये कैसे हंट करते हैं कैसे हंटिंग करते हैं कैसे शिकार करते हैं लेट अस सी देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड इवन माइस कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ट्रैप कर लेते हैं अपने जाल में फंसा लेते हैं दूसरे एनिमल्स को जैसे कि फ्रॉग्स हो गए इंसेक्ट्स हो गए या फिर चूहे हो गए ऐसे छोटे छोटे जीवों को ये ट्रैप कर लेते हैं द पिचर प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपेंथीज इसको हम नेपेंथीज भी कहते हैं एंड इट इज वन सच प्लांट विच यूज टू हंट ये भी एक ऐसा पौधा है जो हंटिंग करता है इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया और पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में और इंडिया के मेघालय स्टेट में मेघालय में भी ये पाया जाता है ओके इंडिया में मेघालय में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लीफ इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है पिचर जैसा मटके जैसा गगे जैसा और इसका जो मुंह होता है वो एक पत्ते से ढका होता है विद अ लीफ द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल और इस प्लांट से एक स्पेशल विशेष तरह की खुशबू आती है क्या आती है Yes, एक स्पेशल तरह की स्मेल आती है विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट और इस स्मेल की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्लांट के पास आ जाते हैं ठीक है एंड व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट जब इंसेक्ट्स प्लांट के माउथ पे लैंड कर जाते हैं तब ये क्या करता है इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट इसका जो लिड होता है जो लीफ होती है वो प्लांट को कवर कर देती है और फिर इंसेक्ट जो है ऊपर उड़ नहीं पाते हैं दे कैन नॉट फ्लाई एंड इन दिस वे दे आर ट्रैप्ड और इस तरह से जो ये इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस पिचर प्लांट में वॉट अ क्लेवर वे टू हंट तो आपने देखा पिचर प्लांट की हंटिंग का स्टाइल जो है कितना ट्रिकी है ना कितनी चालाकी से ये इंसेक्ट्स को हंट कर लेता है ये खुद तो कहीं जाता नहीं है अपनी स्मेल से अट्रैक्ट करता है दूसरे इंसेक्ट्स को स्मॉल एनिमल्स को और फिर जैसे ही वो उसके पास आते हैं उसके माउथ में उसके पास आते हैं तो वो उनको कैप कर लेता है अपनी पत्तियों को डाउन करके सामाजिक जगह ने प्लांट के बारे में हाँ बताइए तो आपको पता चला बेटा पिचर प्लांट कैसे हंटिंग करता है कैसे हंटिंग करता है विद द हेल्प ऑफ हिज स्मेल इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स एंड व्हेन दे लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट दे गेट ट्रैप्ड इन द प्लांट तब वो उस पौधे के जाल में फंस जाते हैं और इस तरह से वो इन छोटे जीवों का शिकार कर लेता है Now, we will talk about so many seeds. अब हम बात करेंगे ये तो हमारा एक स्पेशल टाइप का प्लांट हो गया अब हम बात करेंगे फिक्स से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं बीजों के बारे में Now, can you see here? There are different types of seeds, students. पहले थोड़ा ना पढ़ा तुम ऑनलाइन पे क्या नहीं पता चली अजीत सर ना ये देखिए तो हमने की क्लास में ना क्लास फिक्स के लेकिन अब हमने के पढ़े बड़ा कीजिए इसको नाउ स्टूडेंट्स कैन यू सी हियर पिक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू सी यस सर कौन कौन सी सीड्स आपको दिखाई दे रही है इसमें हाँ सर चना है मूंग है है ना राजमा है चना मटर है राजमा हाँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स यस सर पीस भी है मटर भी है ना और इन सबके साइज आप देख रहे हो कुछ के बड़े हैं कुछ छोटे हैं सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैरायटीज ऑफ द सीड्स हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट तो आप बताइए कितने तरह के बीज आप अपने
कितने तरह के बीज आपने देखे होंगे, कितने तरह के बीज आप कलेक्ट कर सकते हो? अगर आप अपने किचन में भी देखो तो बहुत से बीज आपको मिल जाएंगे। Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. तो आप सब लोग अलग अलग तरह के बीज कलेक्शन बीज को कलेक्ट कर सकते हो, ओके? Now, collect different types of seeds as many as you can. Now, types of seeds as you can. After that, put all the seeds collections together. अब आप उन सभी seeds को एक जगह रख दीजिए. Now, observe these seeds carefully. अब जरा उन seeds को आप ध्यान से देखिए. Their shape, size, color and texture. आप देखोगे कि उन सभी seeds का color, उनका size, उनका shape अलग अलग हो सकता है. उनकी texture अलग हो सकती है ना? They may feel rough or smooth. Texture means उनका जो surface होता है वो स्मूथ हो सकता है या फिर रफ हो सकता है ना, या फिर ग्लॉसी भी हो सकता है, बहुत चमकीला भी हो सकता है. मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास. और आप उस सीड चार्ट को अपनी क्लास में रख सकते हो, किस सीड का किस तरह का टेक्सचर है, कैसा कलर है, ओके? यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया आपको राजमा, आपकी बुक में राजमा का डिटेल दिया हुआ है. कैन यू सी Here is the name of the seed. Then color of the seed is reddish brown. Shape of the rajma you have drawn here. Rajma ka shape kaisa hota hai? Uska texture, jab usko touch karte hai to kaisa lagta hai? Smooth hota hai, na? So this is detail of rajma seed. In this way, you can continue this table. You can continue writing in this table about different seeds, na? अलग अलग सीड्स की डिटेल्स आप अपने टेबल में मेंशन कर सकते हो. नाउ तो एक सीड और भी है, एनी सीड, सौंफ जिसको कहते हैं, क्यूमिन और जीरा, ये सब सीड्स हैं, लेकिन ये देखिए कितने छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं ना, और ये इतने छोटे हैं कि हवा के साथ भी उड़ करके ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. नाउ विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड And which was the biggest seed in your collection? तो आपकी collection में देखोगे कुछ seeds जो हैं बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं. Can you give me example of a small seed? आप किसी छोटे seed का example बता सकते हो बेटा? Anybody? Can you give me an example of small or a big seed? किसका बीज बहुत छोटा होता है? हाँ? लीची का. लीची का? लीची से छोटा बीज? लीची का बीज तो फिर भी बड़ा होता है. लीची से तो छोटा चना होगा, उससे छोटा ग्रेप्स, ओके हाँ, ग्रेप्स का भी छोटा होता है. फिर और कोई बीज? अभी अभी हमने पढ़ा था क्यूमिन, सौंफ और जीरा, ये भी तो सीड्स हैं और कितने छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं तो उनसे, ये ग्रेप्स के बीज से भी छोटे हैं, है ना? और कोई बड़ा? कोरिएंडर, यस हाँ, ये भी छोटा होता है. और बड़े बीज बताइए, किसके बीज बड़े होते हैं? Can you give me example of big seeds? अभी अभी आमों का सीजन चल रहा था, आम खाए आप लोगों ने? Yes, sir. आमों के बीज कितने छोटे होते हैं? कि बड़े छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? बड़े होते हैं. बड़े होते हैं. हाँ, इसका बीज बड़ा होता है ना? ओके, और कोई बड़ा सीड वाला प्लांट? सर ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी, चलो ये भी उतना बड़ा, मैंगो से तो छोटा ही होता है ना? मैंगो से बड़ा कोई सीड? कोकोनट. कोकोनट कहाँ से निकलता है? नारियल से. कितना बड़ा होता है वो? मैंगो से भी बड़ा होता है ना? हाँ, तो देखो सीड्स कितने छोटे, जीगा क्यूमिन देखो कितना छोटा होता है, कोकोनट कितना बड़ा होता है, यानी इनका साइज कितना वैरी करता है ना? है ना? तो जो सीड्स होते हैं इनका साइज अलग अलग साइज का हो सकता है, एक जीगे से ले जीगे जितना छोटा और कोकोनट जितना बड़ा भी हो सकता है, इजंट इट? और इसके बीच में मैंगो है, ग्राम्स है, ग्रेप्स है ना, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स है. चलिए Now make list of a few things. Seeds that are used as spices in your home.
अब आप बताइए कौन सी सीड्स हैं जो आपके घर में एज ए स्पाइसेस यूज होती हैं मसाले के तौर पे। अभी अभी हमने नाम पढ़ा था क्यूमिन, जीरा या सौंफ, इनको हम किसमें यूज करते हैं? स्पाइसेस में, है ना, फेनुगिक, मेथी, है ना, ये सब मसालों में यूज होते हैं ना। अब विच सीड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, कौन से सीड्स वेजिटेबल्स की तरह यूज होते हैं? ग्राम, राजमा, हाँ ओके। एंड इज देयर एनी सीड्स विच वी यूज एज फूड्स, कौन से सीड्स हैं जिनको हम फूड्स की तरह यूज करते हैं? सर ग्राम, सर ग्राम, ग्राम चना, ये तो वेजिटेबल्स में आ गया ना, या पल्सेस, दाल भी बनाते हैं उसकी हम तोड़ करके, स्प्लिट करके, है ना। कोई सीड ऐसा भी है जिसको हम एज ए फूड यूज करते हैं फल की तरह? नो नो, बताइए, सोचिए, इज देयर एनी सीड व्हिच वी यूज एज फूड? कुछ ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, हाँ, है ना। और लाइट सीड्स बताइए, चेक बाय ब्लोइंग देम, कुछ हल्के सीड्स जो बहुत हल्के हों, और हल्का है ये, हम कैसे चेक करेंगे? जब ब्लो करेंगे उनको, फूकेंगे तो वो उड़ जाएंगे, जब ऐसे ही हम उससे ब्लो करेंगे या पानी में डालेंगे तो पानी के साथ बह जाएंगे। ऐसे हल्के सीड्स कौन से हो सकते हैं? सर वाटरमेलन का सीड, हाँ वाटरमेलन, ओके, लेकिन ये ब्लो करने के बाद उड़ेगा नहीं, पानी के साथ तो बह सकता है लेकिन हम मुंह से फूंक करेंगे, ब्लो करेंगे तो नहीं होएगा। सौंफ कह सकते हो, सौंफ भी बहुत छोटा होता है, है ना। एंड सीड्स व्हिच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स बताइए जो फ्लैट हो, चपटे हो, सीड्स ऑफ वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन, तरबूज का सीड, बीज देखा है कैसा होता है, चपटा होता है, होता है? हाँ, और किसका चपटा होता है? राजमा, राजमा, isn't it? राजमा की तो हाँ, हाँ, राजमा का बीज भी चपटा होता है ना, कैसा होता है? फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा,